लेकिन नर्वस में क्या है, अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे वो बोले कि आप मेरे पास लेके आ जाओ जो आपको हर जगह प्राइसिंग मिले, मैं उससे 3,000 रुपये कम दे दूंगा या 2,000 रुपये कम दे दूंगा, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो आप 3,000 कम दे। अगर बंदा जेन्युइन है तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको उसकी प्राइसिंग से पता चल जाएगा कि हाँ, आप सबसे प्राइसिंग लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ प्राइस डिफरेंस कहाँ पे होने वाला है। बहुत से लोग माइनिंग के अंदर में उसका यूज़ करने की सोच रहे हैं, बट वो लोग कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि इथेरियम के ऊपर में अभी आने वाले टाइम में ये बैन हो जाएगा। प्राइसिंग बहुत अच्छे आपको मिलते हैं, अगर आपको किसी को पीसी बिल्ड में चाहिए या वैसे भी नॉर्मल भी चाहिए तो आपको ग्राफिक कार्ड के अंदर ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्राइसिंग में भी बहुत अच्छा आपको डिफरेंस मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको सिंगल कंपोनेंट चाहिए, आपको पूरा पीसी चाहिए या फिर ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे अपना ईएमआई कन्वर्ट करवा सकते हो। आपके सब्सक्राइबर के लिए भी और जितने भी हमारे यहाँ पे क्लाइंट है उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे मैं ऑफर लेके आया अभी। इसके अलावा किसी को अगर चाहिए 2060 12GB के अंदर जो नया ग्राफिक कार्ड आया इनो 3D की तरफ से, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। सो गाइस दोबारा से हम लोग आ गए हैं डिजिटल ओशन शॉप पर, एंड आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड को कवर करने वाले हैं। बट काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सुभाष भाई, रेट में क्या डिफरेंस आया इतने टाइम के बाद? प्राइसिंग के अंदर अभी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। मीन्स प्राइसिंग अभी अगर किसी को पीसी बिल्ड के लिए चाहिए या फिर वैसे नॉर्मल भी चाहिए तो ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको एक अच्छी प्राइसिंग अभी मिलने वाली है। ठीक है सुभाष भाई, ये बता दीजिए कि जैसे कोई नया सब्सक्राइबर या कोई नया व्यूअर आता है तो उसको यहाँ पे मतलब शॉप पे आने में दिक्कत ना हो तो एड्रेस बता दो प्रॉपर के कोई भी मतलब इजीली आ पाए आपकी शॉप पर। नेहरू प्लेस के अंदर कोई भी आता है या फिर कोई भी आपका व्यूअर्स है जो ऑलरेडी हमें जानते हैं उन्हें तो पता है मेरा एड्रेस, बाकी जो नहीं जानते उनके लिए एड्रेस यहाँ पे है 312A बजाज हाउस 3rd फ्लोर नियर बाय कैनन का सर्विस सेंटर यहाँ पे नेहरू प्लेस के अंदर। आप कभी भी आते हो तो बजाज हाउस बोलो 3rd फ्लोर पे तो वहाँ पे आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा, बिल्कुल 3rd फ्लोर पे अपना बेस्ट है यहाँ पे। और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो डिजिटल ओशन नेहरू प्लेस लिखोगे तो आपको मेरा प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल भी कर सकते हो और मेरे को या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, सुभाष भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस तो बता दिया, बाकी आप लोग अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे भी आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा, भैया का फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। और फिर भी इनकेस अगर आपको डिजिटल ओशन नहीं मिलता तो आप भैया को कॉल कर सकते हो, ये कोई ना कोई लड़का भेज देंगे, आपको आने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो भैया प्राइसेस का आप बता रहे हो कि काफ़ी सही चल रहे हैं इस टाइम पे? प्राइसिंग बहुत अच्छे आपको मिलते हैं, अगर आपको किसी को पीसी बिल्ड में चाहिए या वैसे भी नॉर्मल भी चाहिए तो आपको ग्राफिक कार्ड के अंदर ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्राइसिंग में भी बहुत अच्छा आपको डिफरेंस मिलेगा। लाइक अगर आप अभी इंटेल के प्रोसेसर पे जाओगे वहाँ पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पावर सप्लाईज हैं उसके ऊपर प्राइस ड्रॉप हुआ है अभी, ठीक है, और ग्राफिक कार्ड तो ऑलरेडी अभी थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप वहाँ पे चल रहा है। ठीक है भैया, बहुत सारे लोग उसके लिए भी पूछ रहे थे कि हम क्या ईएमआई पर पीसी ले सकते हैं? ईएमआई के ऊपर में आपको पीसी मिल जाएगा, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे अपना ईएमआई कन्वर्ट करके आप पीसी ले सकते हो। ठीक है, मतलब इसके अलावा अभी आने वाले टाइम के अंदर में अप्रॉक्स नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको जो बजाज फाइनेंस का वो भी ऑप्शन आपको मिलने जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, मतलब ईएमआई पर भी अब पीसी मिल जाएगा। और अगर कोई सिंगल कंपोनेंट लेता है वो मिल जाएगा? कोई भी चीज़ आपको सिंगल कंपोनेंट चाहिए, आपको पूरा पीसी चाहिए या फिर ग्राफिक कार्ड चाहिए तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे अपना ईएमआई कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मतलब जो लोग दिल्ली में है वो तो यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी जो लोग दिल्ली में नहीं है वो लोग के लिए क्या हो सकता है? बेसिकली क्या है, बहुत से लोगों की डिमांड होती है कैश ऑन डिलीवरी के लिए, तो कैश ऑन डिलीवरी आपको पीसी बिल्ड के ऊपर में मिलने वाला है यहाँ पे। किसी को पीसी बिल्ड चाहिए या फिर कोई भी इंडिविजुअल कंपोनेंट चाहिए तो आप वहाँ से यहाँ से आप सीओडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर ग्राफिक कार्ड्स भी चाहिए तो वो भी आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, बट जो ग्राफिक कार्ड अंडर 50,000 उस पर आपको सीओडी मिल जाएगी, बट मोर देन 50,000 पे आपको जो पेमेंट प्रीपेड करनी पड़ेगी। बाकी आप शॉप बहुत ही रेप्यूटेड है नेहरू प्लेस में, आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता वो गूगल पर सर्च करते हैं डिजिटल ओशन नेहरू प्लेस तो आपको दिख जाएगा पूरा प्रोफाइल वहाँ पे। नॉर्मल प्रीपेड के अंदर में और सीओडी में डिफरेंस एक ही होने वाला है, जो सीओडी में आपको 3% का वहाँ पे एडिशनल पे करना पड़ेगा जो भी आपका बिलिंग अमाउंट है उसके ऊपर में। ठीक है, मीन्स अगर किसी का बिल बनता है 50,000 का तो आपको 1500 जो है एडिशनल पे करना है, और आप पूरी पेमेंट आप अपने घर पे कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर में। ठीक है, अच्छा ये जो आप 3% का बता रहे हो ये किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे है या कोई भी चीज़ के ऊपर है? सभी सभी चीज़ों पे।
ठीक है। तो भैया ये तो हो गई सारी डिटेल्स, अब हम बात करते हैं मेन प्राइसिंग के बारे में। तो 710 तो डिसकंटिन्यू हो गया जी, 730 की बात करते हैं। 730 के ऊपर में किसी को चाहिए ग्राफिक कार्ड तो आप यहाँ पे MSI के ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे MSI के ग्राफिक कार्ड ये 730 होने वाला है, ये मिलता है आपको 3900 रुपये का। ठीक है, ये दो GB वाला है जी, ये 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। और बहुत से लोग कहते हैं मेरे को 1 GB ग्राफिक चाहिए सिर्फ डिस्प्ले के लिए, तो 1 GB जो लगाता है उसमें कोई उतना मतलब नहीं बनता। वहाँ पे मिनिमम आप 2 GB का ग्राफिक कार्ड रखो ताकि आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी मिलती है वहाँ पे, और आपका जो है डिस्प्ले का काम भी वहाँ पे निकलता है वहाँ पे। ठीक है, एक 730 में 4 GB वाला भी आता है, उसका क्या रेट होने वाला है? 730 के अंदर में किसी को अगर 4 GB चाहिए DDR3 के अंदर में तो आपको ये ग्राफिक कार्ड मिल जाता है आपको RVX की तरफ से, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है ये, और इसकी प्राइसिंग आपको मिलती है 7200 रुपये की। ठीक है, 7200। बाकी अगर कोई ASUS वगैरह लेना चाहता है वो भी मिल जाएगा इसमें? आपको किसी को ASUS चाहिए या फिर और भी कोई आपको चाहिए इसके अंदर में तो बहुत सारी आपको वैरायटी इसके अंदर मिलने वाली है। इसके बाद आता है 1030। 1030 के अंदर में आप यहाँ पे ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, अगर किसी को 2 GB तो 2 GB आपको मिल जाएगा इसके अंदर कलरफुल के अंदर में, या फिर GB के अंदर में भी आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो क्या रेट होगा भैया इसका? प्राइस जो आएगा मिलेगा आपको 7500 रुपये का कलरफुल के अंदर 2 GB, और अगर किसी को इसमें 4 GB चाहिए, ये 1030 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये आपका अप्रोक्स जो है 1050 Ti के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, क्या रेट होने वाला है 4 GB वाले का? ये मिल जाएगा आपको 10500 रुपये का। 10500 का 4 GB का DDR4 होता है ये, और इसमें DDR5 में 1050 Ti आता है। मींस कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ 19-20 का डिफरेंस है इसके अंदर में, तो आप इस पे जा सकते हो आराम से, जो जिनका बजट 1050 Ti के लिए भी अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक में आता है भैया अपना 1050 Ti। तो 1050 Ti कौन कौन से ब्रांड में अवेलेबल है इस टाइम? 1050 Ti के अंदर में अभी जो ब्रांड्स आपको मिलने वाले हैं वो है कलरफुल और Inno3D के अंदर में। ठीक है, और प्राइसिंग आपको मिलेगी इसके अंदर 18500 रुपये की। 18500 Inno3D या कलरफुल? या कलरफुल दोनों में आप जा सकते हो, वारंटी ब्रांड वारंटी 3 साल आपको मिलने वाली है इसके अंदर में। ठीक है, ऊपर की अगर बात करते हैं हम लोग ग्राफिक कार्ड के अंदर में, तो ये DDR5 आता है, DDR6 के अंदर में इसके अंदर आता है 1650 के अंदर में अपने पास ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा कलरफुल का। ठीक है, और इसके अलावा किसी को जोटेक चाहिए आपको जोटेक भी मिलने हैं। ठीक है, तो जोटेक के भी हैं, साथ ही में यहाँ पे देखा जाए तो MSI भी है। MSI भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या रेट होने वाले हैं तीनों के? अगर तीनों ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग की बात करें आपको इसके अंदर में, तो MSI का है और कलरफुल का है और यहाँ पे जोटेक का है। MSI आपको मिलता है 25000 रुपये का। ठीक है, 25000 का MSI वाला, 5000 का। इसके अलावा आपको कलरफुल मिल जाएगा 24000 रुपीज का। ठीक है, और जोटेक आपको मिल जाएगा 23500 रुपीज का विद अ 5 ईयर वारंटी। ठीक है, तो जोटेक में तो वैसे मिल जाती है 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है एक्सटेंड करने के बाद। बिल्कुल। ठीक है, तो भैया जैसे ये जो आप प्राइस बता रहे हो तो इसमें सारे GST इंक्लूडेड है ना? सभी प्राइस के अंदर में GST इंक्लूड है, और हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग होती है। ठीक है, अच्छा भैया ये बात बताओ कि जैसे ये जो ग्राफिक कार्ड है इसका रेट बिल्ड के साथ में और कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखो मीन्स ये तो प्राइसिंग हुई आपकी इंडिविजुअल के हिसाब से, बट अगर किसी को PC बिल्ड में चाहिए तो एक अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एक ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपको या एक एग्जाम्पल देके मैं आपको, तो अगर आप 1050 Ti का नॉर्मल आपको पड़ता है 18500 रुपये का, विद बिल्ड में आपको पड़ेगा सिर्फ 17200 रुपये का। ठीक है, तो मतलब काफी ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है बिल्ड के साथ में। बिल्कुल। ठीक है, जो मैंने जोटेक का आपको बताया 23500 रुपीज का है, अगर बिल्ड के साथ आप तो आपको पूरा 1000 रुपये का अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है प्राइसिंग के अंदर में। ठीक है, अच्छा भैया प्राइसेस जो है वो और भी कम होने के चांसेस हैं क्या? प्राइसिंग विद इन अ वीक दोबारा हाइक होंगे जो ग्राफिक कार्ड नए सीरीज के हैं उसके अंदर के। ठीक है, मतलब प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। अभी मैं बताऊँ नेक्स्ट वीक के अंदर में, या फिर जो जब तक वीडियो लॉन्च होगी, जो प्राइसिंग बढ़ेगी ग्राफिक कार्ड की वो है 3060 Ti हो गया, इसके अलावा 3070 Ti है, 3080 Ti। मीन्स Ti वेरियंट में कोई भी ग्राफिक कार्ड से इवन 1660 Ti, ठीक है, इनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अभी माइनिंग के वजह से कि यहाँ पे आप कह सकते हो प्राइसिंग दोबारा से बढ़ सकती है, इसकी 110% यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब जो Ti वाले हैं स्पेशली उनके प्राइसेस बढ़ेंगे अभी। बिल्कुल, मीन्स हम लोग माइनिंग रिग भी बिल्ड करते हैं यहाँ पे, तो अपने को पता है यहाँ पे अंदर अभी जो जितने भी कस्टमर डिमांड आ रही है ज्यादातर लोग बग जा रहे हैं 3060 Ti के ऊपर में, या फिर AMD के 6600 XT के अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इनके परफॉर्मेंस और इनके हैसेट के हिसाब से, तो AMD लोग इसलिए प्रीफर करते हैं, और बाकी NVIDIA में इसलिए आ जाते हैं कि जिनको इथेरियम के अलावा अगर अदर कॉइन माइन करना है तो वो लोग ज्यादा प्रॉफिटेबल देखते हैं Ti वेरिएंट को, लाइक 3070 Ti के अंदर में जाएगा आप या फिर 3060 Ti के अंदर में। ठीक है, इवन
3060 Ti के अंदर में अगर बात करते हैं हम लोग तो इथेरियम पे आपको 46 का हैज रेट मिलेगा अप्रॉक्स, और रेवन गंबरा आपको मिलने वाला है 25-26 के राउंड का। ठीक है, अच्छा भैया जैसे अगर किसी को माइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना हो तो आपको कॉल करके पूछ सकता है। ऑब्वियस हमारे पास से माइनिंग रिक्स भी बिल्ड होती है, हमारा अपना भी है चैनल वहाँ पे माइनिंग रिक्स के, हम लोग वहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं। डिजिटल ओशन नेहरू प्रेस आप गूगल पे सर्च करो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से मेरे को फॉलो भी कर सकते हो और रेगुलर जो है वहाँ पे माइनिंग के आपको अपडेट वहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो भैया के चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ग्राफिक कार्ड को ही वापस कंटिन्यू करते हैं, तो हमने 1650 की बात कर ली, 1650 सुपर का क्या सीन है इस टाइम? 1650 सुपर में आज के टाइम में मार्केट के अंदर में स्टॉक एबिलिटी बहुत ही कम हो रहा है यहाँ पे। कुछ एक ब्रांड्स हैं जिसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पे गीगावाट मिल जाता है, कुछ MSI के ग्राफिक कार्ड, एक आध ग्राफिक कार्ड पूरे नेहरू प्रेस में आपको मिलता है, तो आप समझ सकते हैं प्राइसिंग कहाँ होगी उसकी। ठीक है, तो मतलब उसके प्राइस बहुत अजीब से चलते हैं, मतलब वो उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है, जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज आप समझो अगर मेरे पास ही होगा तो मैं भी चाहूँगा उसको मैक्सिमम प्राइस में बेचने के लिए। तो वैसे यहाँ पे अदर भी सेलर एक्चुअली मेरे पास तो स्टॉक में नहीं है, बाकी जिनके पास में है वो उसको मैक्सिमम प्राइस पे बेचने के लिए सोचते हैं। इवन आप मानोगे यहाँ पे मार्केट में अभी लास्ट टाइम कोई कस्टमर मेरे पास कोटेशन लगाया था 1650 सुपर के लिए, 40,000 रुपए का उसको यहाँ पे नेहरू प्रेस में कोट किया गया था। ठीक है, सिर्फ ग्राफिक कार्ड 40,000 का उसके अंदर में। ठीक है, मतलब शॉप का नाम नहीं बताया लेकिन हाँ, इसी बिल्डिंग की बात है, इसी बिल्डिंग के अंदर में वो प्राइसिंग कोट किया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेसिकली जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर में आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, लाइक अमेजोन के रिफर्बिश होते हैं उनके पास में, इसके अलावा वारंटी वाइड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, बट जो भी एक ट्रस्टेड पार्टनर है यहाँ पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे और भी लोग हैं यहाँ पे नेहरू प्लेस के अंदर में जो लोग डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर जो इम्पोर्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग कभी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। लाइक जैसे हम लोग MSI के अंदर में ऑथराइज हैं यहाँ पे, जोटेक के अंदर ऑथराइज है, अपना कॉर्सर है, कोलो मास्टर, ये कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जितने भी कंपोनेंट मिलेंगे सारे जेन्युइन होंगे। बिल्कुल, देखो हमेशा प्राइसिंग मैटर नहीं करती, समटाइम्स जो है आपको उसकी प्राइसिंग के साथ साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या प्रोडक्ट की वारंटी है वो भी आपको मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा रिसेंट में, मैं अमेजोन की बात करूँ, अमेजोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, बट वहाँ पे भी लोगों से फ्रॉड हो रहा है ऑलरेडी। बिल्कुल, खासकर राइजन 5 वाला, राइजन 5 के अंदर हो गया, राइजन 7 3700X के नाम पे वहाँ पे लोगों को कभी कुछ साबुन की टिक्की भेजता है, कभी कुछ भेजता है वहाँ पे, तो वो चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है कंटिन्यू, तो फ्रॉड हर जगह होने वाला है यहाँ पे, खासकर नेहरू प्लेस के अंदर फर्स्ट फ्लोर पूरा ही यहाँ पे ऐसा होता है। मैं किसी शॉप का नाम नहीं लूँगा बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो वो तो आप जब जैसे भी शॉप पे जा रहे हो तो आपको खुद से चेक करना होता है कि क्या चीज़ वो आपको दे रहा है। बिल्कुल, चीज़ें आपको मैं ये नहीं कहता कभी भी आप यहाँ से लो मेरे यहाँ से, कहीं भी आप लेते हो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर पहले आपको चेक करनी होती है, जो आप प्रोडक्ट क्या है वहाँ पे, इम्पोर्टर कौन है, लाइक यहाँ पे कुछ ट्रे CPUs बिकते हैं, तो प्राइसिंग ऐसा नहीं है जो आप यहाँ पे PC बिल्ड के लेंगे। नेहरू प्रेस में क्या है, अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे वो बोलेगा आप मेरे पास लेके आ जाओ, जो आपको हर जगह प्राइसिंग मिले मैं उससे 3,000 रुपये कम दे दूंगा या 2,000 रुपये कम दे दूंगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो आप 3,000 कम दे, अगर बंदा जेन्युइन है तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको उसकी प्राइसिंग से पता चल जाएगा कि हाँ, आप सबसे प्राइसिंग लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ प्राइस डिफरेंस कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज वैसे प्राइस नहीं होती है, आपको सर्विस वारंटी वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। ये भाई अब सर्विस की बात निकली है तो सर्विस के बारे में ही बता दो, आप कैसी सर्विस दोगे यहाँ पे कस्टमर्स को? देखो सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो आप जो लोग मेरे ऑलरेडी मेरे कस्टमर हैं यहाँ पे या जो मेरे क्लाइंट है जो मेरे से पहले PC या फिर कोई भी कंप्यूटर ले गए उनको पता है जो हमारी आफ्टर सेल सपोर्ट यहाँ पे क्या होने वाली है। आफ्टर सेल सपोर्ट के नाम पे यहाँ पे नेहरू प्रेस में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, बट यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन से इस बात की 110% सिक्योरिटी होती है कि कभी आपको किसी चीज़ के अंदर कोई वैसा एक तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दूसरा क्या है अगर आफ्टर सेल भी अगर कभी इशू आता है, मीन्स मेरे से आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसमें कोई इशू है तो हम ये अपने एंड पे कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉल्व वहाँ पे हो जाए। किसी को सर्विस सेंटर जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके पास लाए जो भी सामान है और आप उसका रिप्लेस या जो भी उसका होगा आप करके दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, होता क्या है आप जाओगे सर्विस सेंटर में आपको टाइम लग जाएगा, बट अगर वहाँ पे देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है, जैसे हार्ड ड्राइव है या रैम्स है, इसमें आप डायरेक्टली जा सकते हो सर्विस सेंटर। ठीक है, बट मदरबोर्ड है या ग्राफिक कार्ड्स है इन चीज़ों में आपको यहाँ पे कभी भी जो आपका सेलर है उसके पास आना चाहिए और आप उससे बोलोगे सर मैंने आपसे ये लिया है आप इसको मेरे को
रिप्लेस करवा के या चेंज करवा के या रिपेयर करवा के मेरे को दोगे इस चीज़ को। ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आफ्टर सेल सपोर्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा अब प्राइस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 1650 सुपर हो गया, 1660 का गया सीन है। 1660 अभी मार्केट में सेम हालत जो 1650 सुपर का है। 1650 सुपर और 1650 सुपर एन 1660 सेम है यहाँ पे, उसकी प्राइसिंग भी आपको 43,000 ऐसे मिल रही है। ठीक है, तो जो वर्थ नहीं है अभी इस टाइम पे लेने का। आप, मैं आपको बताऊंगा, देखो 16 सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड अभी वर्थ नहीं है लेने के लिए, अगर आपको पीसी के लिए चाहिए तो। ठीक है, और 1660 सुपर, सुपर के अंदर भी सेम ही कंडीशन चली है, अप्रॉक्स आपको 46 से 47 के बीच में आपको मिलता है 1660 सुपर। बहुत से लोग माइनिंग के अंदर में उसका यूज़ करने की सोच रहे हैं, बट वो लोग कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि इथेरियम के ऊपर में अभी आने वाले टाइम में ये बैन हो जाएगा, तो इसका कोई वर्थ वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, और 1660 Ti, हाँ 1660 Ti अभी उसके रेवन के ऊपर अच्छा उसका ROI निकलता है, तो आप उसके ऊपर में कंसिडर कर सकते हो, तो वो आपको मिलता है यहाँ पे 48,000 रुपीज़ का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2060 जो कि 12 GB में आने वाला है। 2060 में अगर किसी को 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा 47,000 रुपीज का। ठीक है, इसके अलावा किसी को अगर चाहिए 2060 12 GB के अंदर जो नया ग्राफिक कार्ड आया Inno3D की तरफ से, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है 53,000 रुपीज का। 53,000 का। अच्छा एक बात बताइए कि 3060 के होते हुए लोग उसको क्यों लेंगे? बेसिकली देखो उसके अंदर में जो उसका माइनिंग परफॉर्मेंस है उसकी वजह से लोग उस पर कन्वर्ट हो रहे हैं। बाकी अगर जिसको अगर गेमिंग के लिए चाहिए वो कभी तो 3060 उसके लिए बेटर है। बिल्कुल, आपको अगर 3060 के अंदर हम बात करें यहाँ पे तो आपको MSI है, Zotac है, ये आपको 58,000 के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 52,000 की या 53,000 का 2060 लेने आप नहीं जाओगे ऑब्वियसली बात, बट माइनिंग के लिए अगर लेना है तो 2060 बेटर है। माइनिंग के अंदर में आपका 2060 बेटर है 3060 प्लेन के मुकाबले। अगर आपको Ti लेते फिर आपकी बात अलग, वहाँ पे अलग हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं 3060 के बारे में जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रखे हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड में है, Zotac भी है और यहाँ पे MSI भी है, तो MSI क्या रेट होने वाला भैया? उसी मिलने वाला है इसके अंदर में आपको। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो अगर किसी को पीसी बिल्ड में चाहिए तो आपको ये बहुत अच्छी प्राइसिंग में मिल जाएगा। MSI है, Zotac है, ये आपको अप्रॉक्स जो है पीसी बिल्ड के साथ में 57,000 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, MSI वाला, MSI के अंदर ले लो, Zotac के अंदर ले लो, आपको दोनों 50,000 का मिल जाएगा। ठीक है, और एक आप जो कलरफुल का बता रहे थे ये आएगा मल्ट्रा, उसी आपको मिल जाएगा 60,000 रुपये की, क्योंकि ये ट्रिपल फैन वेरिएंट होता है। इसके बाद में आता है अपना RTX 3060 Ti, बहुत ज़्यादा डिमांड में अभी ये ग्राफिक कार्ड है। 3070 Ti और 3070 Ti मैंने आप बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी, बेसिकली माइनिंग के अंदर में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी आ रहा है। 45-46 का हैसेट आपको मिलता है, अगर दो ग्राफिक कार्ड लगाते हो आपको अप्रॉक्स जो है 90 का हैसेट मिल जाता है आपको, मीन्स इक्विवेलेंट हो गया 3080 9000 के। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। अगर तो रेट क्या होने वाला है? सिंगल कार्ड की अगर हम बात करते हैं वो आपको मिलने वाला है 72,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3070 के बारे में। 3070 अगर किसी को चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा Zotac का ही आपको 3070 ट्विनेज उसी मिलने वाला है। इसके अलावा मेरे पास में 3070 के अंदर में एम्प होलो ब्लैक भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, एम्प होलो ब्लैक आपको मिलेगा 86,000 रुपीज़ का, इसके अलावा ये मिल जाएगा आपको 82,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये वाला है 86 में और ये है 82,000 का। में दोनों ही डुअल फैन है? दोनों ही डुअल फैन आता है Zotac के अंदर में, 3060 Ti और 3070 दोनों में है डबल फैन ही आता है। ठीक है, बट इसके अंदर में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दो डिफरेंट मॉडल हैं, ट्विन एज OC और दूसरा जो मॉडल होता है वो होता है अपना AMP एडिशन। AMP मींस उसका अपर मॉडल है ये, और ट्विन एज OC लोअर मॉडल आता है इसके अंदर में। ठीक है, तो इसलिए प्राइस डिफरेंस। हाँ जी, प्राइस डिफरेंस है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3070 Ti। 3070 Ti आपको मिल जाएगा यहाँ पे IGM अल्ट्रा उसी की तरफ से, और इसके अलावा अभी मेरे पास कुछ स्टॉक Zotac के आने वाले हैं। Zotac में आपको मिलेगा 1,05,000 रुपये से लेकर 1,06,000 के आसपास, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। और ये क्या रेट होने वाला है? IGM अल्ट्रा से आपको मिल जाएगा 1,02,000 रुपये का। ठीक है, ये है 1,02,000। हाँ, किसी को गैलेक्सी ये ब्रांड सस्ते होते हैं, बट आफ्टर सेल सपोर्ट इनका बहुत ही वहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अगर कोई चीज़ ले ही रहे हो तो थोड़ी अच्छी ही ले लो ताकि आपको सर्विस बढ़िया ही मिले। ग्राफिक कार्ड की अगर आप आज के दिन में कॉस्टिंग देखोगे आपके पूरे पीसी के
पीसी के इक्विवेलेंट आता है आपका ग्राफिक कार्ड सिर्फ उससे ऊपर ही आता है बेसिक। सही है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3080 के बारे में। 3080 में अभी ग्राफिक कार्ड थोड़ा शॉर्टेज में चल रहा है, बाकी आप किसी चीज़ से मिल जाएगा आपको 130,000 के आसपास का। ठीक है, ब्रांड टू ब्रांड मैटर करता है ये, आपको कौन सा चाहिए वहाँ पे। इसके बाद आता है 3080 Ti। 3080 Ti में मेरे पास अभी आपको जोटेक का ये AMP ब्लैक होल एडिशन मिलने वाला है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग होने वाली है अपनी 1,60,000 रुपये की। 1,60,000 रुपये, 1,60,000 के। और इसका हैश रेट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है माइनिंग के अंदर में आप लेते तो भी, और अगर गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस इसकी जो है जो लोग 3090 की सोच रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि 3090 नॉन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ऊपर मिलता है आपको। किसी पीसी बिल्ड में चाहिए आपको 1,52,000 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, AMP ब्लैक होल एडिशन। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 3090। 3090 की बात करें, 3090 में आपको वहाँ पे गैलेक्सी मिल जाएगा मेरे पास, और इनर 3D मिलने वाला है अभी, जिसकी प्राइसिंग आने वाली 2,28,000 रुपये की। 2,28,000 रुपये जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ AMD के कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे RX 6600 है, इसका क्या रेट होने वाला है। AMD के अंदर में आपको भी मिलेगा RX 6600। इसके अलावा मेरे पास ग्राफिक कार्ड, इसमें और भी ग्राफिक कार्ड है, AMD का पूरा रेंज है मेरे पास के अंदर में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ ये 6600 है, ये मिलता है आपको 51,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये है 51,000 का। आप मानो इसके अंदर माइनिंग के अंदर में इसका वॉट कंजम्पशन बहुत ही कम होने वाला है, और गेमिंग के अंदर में ये 8GB का ग्राफिक कार्ड है, किसी को चाहिए 48,000 का आपको मिलता है। अगर ये आपको पूरे पीसी बिल्ड के साथ में, सिर्फ 2-3 कंपोनेंट के साथ नहीं मिलेगा, पूरा अगर आप पूरा पीसी बिल्ड करते हो ओवरऑल, तो वहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग 48,000 की आपको मिलने वाली है। ठीक है, 48,000। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें एक दूसरा मॉडल आता है 6600 XT। 6600 XT में आपको सफायर का मिल जाएगा 52,500 रुपीज़ के अंदर में। ठीक है, 52,500। हाँ, और ये जो आपके पास में 6700 XT, ये 6700 XT आपको मिल जाएगा, अच्छा ग्राफिक कार्ड। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी जो माइनिंग हैज रेट वो 30 की होने वाली है। ठीक है, और 6600 XT आपको 34 का हैज रेट प्रोवाइड करता है, और ये आपको प्रोवाइड करता है 48 to 46 के बीच के अंदर। तो इसका हैश रेट ज़्यादा है, तो रेट भी ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल, इसकी प्राइसिंग आपको मिलती है 85,000 रुपीज़ की। ये है 85,000 रुपीज़ का। हाँ, ये मिलने वाला आपको सफायर पल्स की तरफ से। इसी में अगर किसी को एजरॉक में चाहिए, वारंटी सेम होती है 3 साल की, तो आप इस पे जा सकते हो। ये भी डबल फैन आता है अपना, और ये ओवर क्लॉक एडिशन आता है। इसका क्या रेट होगा। ये आपको मिल जाएगा 84,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये भी 84,000 है। तो ये 6800 XT भी आता है, उसका क्या रेट होगा। 6800 XT में मेरे पास ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे MSI का। ठीक है, MSI का ग्राफिक कार्ड है, उसकी हैश रेट जो है एज कम्पेयर टू जितने ग्राफिक कार्ड है सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। इसकी हैश रेट होती है 65 MHz की। ठीक है, 65 MHz की। हाँ, 65 MHz की इसकी हैश रेट है, और प्राइसिंग आपको मिलती है 1,16,500 रुपये की। 1,16,500 रुपये की। ठीक है, ये तो हो गए सारे के सारे ग्राफिक कार्ड कवर, और बाकी अगर कुछ रह भी गए हो तो आप भैया को कॉल कर सकते हो। बाकी सुभाष भाई ये बताओ, ये जो टाइम है या अभी क्रिसमस है या उसके बाद में न्यू ईयर भी है, तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह कुछ स्पेशल करने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। बिल्कुल, आपके सब्सक्राइबर के लिए भी, और जितने भी हमारे यहाँ पे क्लाइंट है उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे मैं ऑफर लेके आया अभी इसके अंदर। आपका अभी 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2022 तक आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफर मिलने आ रहा है। अगर आप पीसी बिल्ड के लिए सोच रहे हैं या फिर माइनिंग रिग के लिए, तो मैं आपको आपको नीचे लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का। ठीक है, आप इंस्टा पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको अलग अलग बिल्ड्स के आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। लाइक इंटेल में i3 से लेकर आपको इंटेल i3 i5 जो नए जनरेशन के हैं उनके साथ में आपको वहाँ पे बिल्ड मिल जा रहा है, एक अच्छे ऑफर के साथ में, अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ में आपको बहुत अच्छा वहाँ पे मिलने जा रहा है। जो माइनिंग वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए पूरा सेटअप का एक हम लोग यहाँ पे लेके आए पूरा। वहाँ पे मैं दो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा अलग अलग, या फिर मैं इंस्टा पे आप फॉलो करोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा वहाँ पे अलग अलग ऑफर्स। लाइक पीसी बिल्ड का अलग से सेक्शन होगा वहाँ पे, और जो अपना माइनिंग रिग का वहाँ पे अलग आपको सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरी प्राइसिंग मिलेगी। लाइक बजट बिल्ड से लेकर वहाँ पे आपको हाई एंड बिल्ड तक मिलने वाला है। लाइक किसी को अगर 1,00,000 के अंदर बिल्ड चाहिए वो भी आपको वहाँ मिलने वाला है माइनिंग रिग के अंदर में, और अगर किसी को आपको 5,00,000 का चाहिए वो भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको वहाँ अलग अलग आपको मिलने वाला है वहाँ पे, तो आप जाके चेकआउट कीजिए वहाँ पे। और इसके अलावा किसी को अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज चाहिए तो आपको पीसी बिल्ड के अंदर से लेकर आपको माइनिंग रिग तक मेरे पास कस्टमाइज का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे नाम ही है डिजिटल ओशन कस्टम पीसी बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपको हर कंपोनेंट मिलने वाला है, चाहे आप माइनिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप गेमिंग के लिए जा रहे हो, एडिटिंग स्ट्रीमिंग, मतलब कुछ भी आपको करना है सारी चीज़ का यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे कंपोनेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी सामने भैया का वेयर हाउस भी है वहाँ पे, तो और एक बार हम लोग वहाँ भी विजिट करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा वेयर हाउस में जा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा वेयर हाउस में पूरा स्टॉक
पूरा भरपूर मिलने वाला आपको। यहाँ पे सभी तरह की कैबिनेट्स मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे सभी तरह के मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे MSI की मदरबोर्ड्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे पावर सप्लाई में RM1000 से लेकर यहाँ पे देखो गोल्ड के अंदर 600 वाट की गोल्ड चाहिए, 700 वाट में गोल्ड चाहिए, या फिर आपको प्लेटिनियम में चाहिए माइनिंग के लिए। इसके अलावा ये माइनिंग के फ्रेम होते हैं अपने पास में, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो ये मेरे अलग अलग कैबिनेट्स हैं यहाँ पे, MSI की कैबिनेट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा थर्मल टेक के हैं और यहाँ पे सिल्वर स्टोन मिलने वाला आपको बहुत अलग तरह के यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्टॉक की तो भाई कोई कमी है नहीं यहाँ पे, पूरा आपको स्टॉक दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए मेरे को वेयर हाउस यहाँ पे, अगर किसी को एंटी स्पोर्ट में 320 TG चाहिए या 311 MT चाहिए, इसके अलावा आपको 230 वो भी मिलने वाला है, ठीक है, मतलब सारा ही स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपको मैं स्पेशल कैबिनेट दिखाना चाहता हूँ आपके वीडियो के इसके अंदर में। बहुत से लोगों की डिमांड होती है कॉर्सर की, जो प्रीमियम अपनी कैबिनेट्स आती है उसके अंदर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास उसमें आपको कैबिनेट मिलने वाली है। लाइक 465X भी मिलने वाला है आपको, कॉर्सर का पूरा रेंज मिलेगा आपको, 470T मिल जाएगा, 7000D मिलेगा, 5000D मिलेगा, 5000X मिल जाएगा। और कौन सी कैबिनेट है भैया? मॉन्स्टर आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1000D, ठीक है, मतलब ये डुअल चैम्बर टाइप का डिजाइन आता है ना, ये पूरा फुल ATX है ये। और इसकी प्राइसिंग आपको अगर आप ऑनलाइन लेते हैं आपको मिलता है 54,000 रुपीज का, ठीक है, बट क्रिसमस ऑफर में आपको मिल जाएगा जस्ट 43,500 रुपीज में आपके शिपिंग के साथ में, ठीक है, 43,500 विद शिपिंग, जी बिल्कुल, ठीक है। तो और बाकी जो आपको ऑफर वगैरह लेने हैं तो आप बिल्कुल इनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इनको फॉलो भी कर लेना। बाकी जो भी लिंक वगैरह होगी सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे